सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेस कैंसर. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, धूम्रपान से कर्क रोग होता है. Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, kheni, zarda, etc., or their promotion in any manner. तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा. इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है. हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000. 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं. ये मुकेश की कहानी है. मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल मुंह का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा. अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था. खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है.
आदमी। हमारा नेता कैसा हो? नवीन त्यागी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नवीन त्यागी जैसा हो। 26 नंबर यार का, बाकी सब बेकार का। 26 नंबर यार का, बाकी सब बेकार। ना कोई चांस नहीं गुरु तेरा इस बार बेल का। क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, ठीक से देख के बताओ ना। अबे देख लिया एक बार में, सब नजर आ गया मुझे। वकील कौन है तेरा? वो अपना गिरधर शर्मा। गिरधर बाबू? हाँ। भूल जा बेल। क्यों? अबे उसे तो भूलने की बीमारी है, उसे तो यहाँ तक याद नहीं रहता कि कोर्ट में उसका क्लाइंट कौन है, वो भी भूल जाता है वो। अब तू ध्यान रखियो, तू तो सोच रहा होगा बेल की। हाँ। और कहीं वहाँ गिरधर बाबू जस्ट साहब से तेरे लिए फांसी की सजा मांग ले। अरे चुप चुप बोलो यार भाई साहब, यार कोई कोई तो रास्ता होगा। हाँ है ना। वकील बदल ले, क्या तो मैं चलूं? अबे हाथ देखनी फीस में ना एडजस्ट कर लूंगा, बोल। ओ शर्मा जी काम कम करो, लड्डू खाओ। लीजिए लीजिए, आप ही लीजिए। अरे मैडम जी का हैप्पी बर्थडे आज। हाँ खाओ खाओ। अरे जॉली हमारा भी तो मुंह मीठा करा। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे बैठ जाओ, मैडम जी आ गई, बैठ जाओ। हाँ जी वकील साहब, शुरू करो, क्या मामला है? योर लेडीशिप, मामला तो रोज ही चलता रहता है, पर आज तो स्पेशल दिन है, आज तो आपका जन्मदिन है जी, बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे जी। अरे ठीक है वकील साहब, आज जन्मदिन है तो क्या हुआ, पर काम तो रोज जैसे ही है ना जी। चलो शुरू करो जी। योर लेडीशिप, अब जिले में डॉक्टर हरफुल को कौन नहीं जानता? ले दे के इन्हीं का एक नर्सिंग होम है जहां पे किसी का ढंग का इलाज होता है। अब मामला कुछ नहीं है, बस पुलिस और मीडिया ने बात का बतंगड़ बना रखा है बस। अरे बतंगड़ क्या वकील साहब, एक 14 साल के बच्चे से एक प्रेग्नेंट औरत का ऑपरेशन करा दिया और आप कह रहे कोई बात ही नहीं है। मैडम जी मेरे कहने का मतलब है कि पूरी कहानी झूठी है। हाँ मैं मानता हूं कि ऑपरेशन के वक्त लड़का ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था, लेकिन ऑपरेशन तो डॉक्टर साहब ने ही किया ना। अब मैडम जी बच्चा है, मासूम है, छोटा प्यारा सा, देखो जिद करने लगा कि पापा मुझे भी ऑपरेशन देखना है, मुझे भी ऑपरेशन देखना है। मैडम जी बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर साहब ने अंदर बुला लिया, लेकिन मैडम जी लड़के ने पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया। चाहते क्या हो ये बताओ जी? बेल चाहते हैं जनाब। मैडम जी हमारे इलाके में गिनती के 2-4 ही तो डॉक्टर हैं, अब आप उन्हें भी अंदर कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा जी? क्यों गुप्ता जी? जी मैडम। दे दे जमानत? नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। सच बात तो यह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने बेटे का नाम दर्ज कराने के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी का ऑपरेशन करवा दिया अपने 14 साल के बेटे से। ये सबूत है मैडम। ये देखिए मैडम, गुदड़ी का लाल इनके बबल से खींची गई थी मैडम। उसके बाद ना सिर्फ उस लेडी को धमकाया इन्होंने, बल्कि अपनी रसूख का इस्तेमाल करते हुए 1 महीने तक पुलिस में केस दर्ज होने नहीं दिया मैडम, किसी को भी करने नहीं दिया। इसीलिए मैडम मैंने कोर्ट में PIL जनहित याचिका फाइल कर दी। अब आप ही सोचिए मैडम, अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? तो अरे हुआ तो नहीं ना। क्या कर रहे हो मैडम जी? अपने जीवन में 150 सीजरियन ऑपरेशन किए मैंने, लेकिन आज तक एक भी मामला नहीं बिगड़ा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने स्कूल जाते हुए बच्चे से ये ऑपरेशन करवाएंगे? अरे करवाया मैंने ऑपरेशन, तो क्या करेगा तू? नहीं मैडम, पूरे वर्ल्ड में 14 साल का एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने कारनामा कराओ। अमेरिका लंदन तक से फोन आ रहे हैं मैडम, और देखो यहाँ अपने ही लोग पजामा उतारने पर तुले हुए हैं। इसलिए तो यहाँ का डॉक्टर विदेश भागता है मैडम, है टैलेंट की तो कोई कदर है ही नहीं। तो आप मानते हैं कि ऑपरेशन आपके बेटे ने किया था? हाँ जी। नहीं 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 मैडम जी, मैडम जी ऐसी बात नहीं है मैडम जी, डॉक्टर हैं, जेल की आदत नहीं है ना मैडम जी, पहली बार जेल गए थोड़ा सा स्ट्रेस हो गए, गुस्से में कह दिया जी, गुस्से। वकील साहब
क्लाइंट की तैयारी करवा के लाया करो कोर्ट में। डॉक्टर साहब ये कोर्ट है, यहाँ मेरे सिवाय और कोई गुस्सा नहीं कर सकता, समझे? डेट दे रही हूँ, कब की चाहिए? मैडम जी बेल मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। मैडम जी, मैडम जी देखिए, आज तो आपका हैप्पी बर्थडे भी है, दिन की शुरुआत में किसी का भला कर दीजिए, दुआएं मिलेंगी जी। देखो वो सब तो ठीक है, पर मैं आज बेल नहीं दूंगी। हाँ पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दो, फिर देख लेंगे। प्लीज मैम, तेरी गैल जज को भी देख लूंगा। पता नहीं बेल कब होगी, पता नहीं घर कब आओगे। पापा पापा आप टेंशन मत लेना, आपके बिना मैं नर्सिंग होम संभाल लूंगा। और ना मैंने टॉन्सिल का भी ऑपरेशन किया। कैसा हुआ? सक्सेसफुल था मेरा बच्चा, तो देख लियो नोबल प्राइज जीतता का। अरे कितने पीले पड़ गए हो जी, पानी कितनी ढीली पड़ गई है। बोल भाई बोल, आप टेंशन मत लो जी, अगली बारी बेल हो जाएगी पक्का। नमस्ते बाबू जी। ये बात तो तूने पिछले डेट पे भी कही थी। अब कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ, हाँ अब बात नहीं मिली तो मैं क्या करूँ, अगली बारी मैं पक्का आपको बेल दिला दूंगा। डॉक्टर साहब वो जरा सा फीस मिल जाती तो अच्छा। किस बात की फीस? इसकी है बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, जो तेरे जैसा झंडू वकील कर लिया मैंने। आज जिला न्यायालय ने डॉक्टर हरफूल चौधरी की जमानत रद्द कर दी है। आज हमारे साथ हैं इस मामले में PIL फाइल करने वाले एडवोकेट महेश गुप्ता। तो गुप्ता जी आज कोर्ट ने क्या कहा, जरा तफसील से बताइए। मुझे क्या है कि डॉक्टर हरफूल जो है ना, गिनीज रिकॉर्ड बनाना चाह रहे थे, इसीलिए अपने 14 साल के बेटे के ऑपरेशन भी करवा दिया। चांदी हो गई ना गुप्ता की तो, साला दिन भर कोर्ट के बाहर बैठ के मक्खियां मारा करता था। बताओ इस केस में PIL करके रात और स्टार बना दिया थे। और उनके वकील साहब जो है ना वो मिठाई खिला के बेल लेना चाह रहे थे। और सुन, रिसेशन का माहौल है, टाइपराइटर में चोरी हो रहे हैं आजकल, चैम्बर ठीक से बंद करिए, ठीक है? चल चलूं मैं। तुझे नहीं लगता तो ओवर रिएक्ट कर रहा है? अरे सबको स्ट्रगल करना पड़ता है यार, तो इकलौता नहीं है। पापा पता है क्या कहते हैं? पापा कहते हैं वकालत में जो जितना देर जमा कर बैठे वो उतना मजबूत। तेरे पापा को क्या फर्क पड़ता है, वो तो सरकारी वकील है, प्रैक्टिस हो या ना हो गवर्नमेंट तो सैलरी दे ही रही है, केस हो तो काम करो, नहीं हो तो आराम करो, और क्या चाहिए। अच्छा क्या गारंटी है दिल्ली जाके सब कुछ फर्स्ट क्लास हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दिल्ली है वो देश की राजधानी, अरे बड़े बड़े लॉयर्स है वहां पे, सुप्रीम कोर्ट है वहां पे, और जीजा जी भी तो है। तू देखियो मैं वहां जाके ना जरूर सेट हो जाऊंगा, देखना तू। अगर तुझे इतना कॉन्फिडेंस है ना तो जा। संध्या ओए कहां जा रही है? अरे अरे सुन यार, संध्या यार सुन ना, तू भी संधू मैं चला जाऊंगा तो रोएगी ना। दिल्ली जा रहा है, अमेरिका नहीं, 2 घंटे का रास्ता है। फिर भी यार तेरा दिल तो भरा है ना संधू, बोल ना संधू। संधू ओए, एक तो ये संधू संधू बोलना बंद कर, ठीक है? किसी हॉकी टीम के प्लेयर का नाम लगता है संधू, नाम भी ठीक से नहीं लेता। तेरे को ना बहुत सारा गुस्सा आता है, गुस्से में इसीलिए सब कह रही है ना। मुझे पता है तुझे बुरा लगेगा, आफ्टर ऑल तेरा बॉयफ्रेंड हूं ना मैं। जैसे तो एक ही है बॉयफ्रेंड बनाने के लायक, मैं जिस दिन चाहूं ना लाइन लगवा दूंगी बॉयफ्रेंड्स की। काय की लाइन मैडम, ये मेरठ है, यहाँ के लौंडो को ना एक ही तरह की बॉयफ्रेंड ही आती है, धोको पीटो और खिसको, मेरे ऐसा नहीं मिलेगा तुझे कोई। आज तक तो किस भी नहीं करने दिया तूने मुझे, करने दूंगी भी नहीं, बाप का माल है। आजकल तो बड़ा चेप नहीं हो गया, इससे तो अच्छा हम अजनबी ठीक थे। मैं तेरी गली से गुजरूं, तू छत पे कपड़े सुखाए,
मैं सच्ची मैं तुझको ताड़ूं, तू नकली सा शर्माए। मैं तेरी गली से गुजरूं, तू छत पे कपड़े सुखाए। मैं सच्ची मैं तुझको ताड़ूं, तू नकली सा शर्माए। चलो 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 सनम अजनबी बन जाए, चलो 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 सनम अजनबी बन जाए। कॉलेज से घर को मैं निकलूं, तू स्कूटर के चक्कर लगाए। मैं छोटे ही थोड़ा सा जो हंस दूं, तेरी लार टपकती जाए। चलो 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 सनम अजनबी बन जाए, चलो 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 सनम अजनबी बन जाए। चलो 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 सनम अजनबी बन जाए, चलो 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 सनम अजनबी बन जाए। अजनबी काश तेरे पापा काश तेरे पापा किसी ट्रक से जा टकराए, हड्डी वड्डी टूटे प्लास्टर भी लग जाए। काश तेरे पापा किसी ट्रक से जा टकराए, हड्डी वड्डी टूटे प्लास्टर भी लग जाए। मिलने का हो बहाना हम तेरे घर को आए, चलो सनम अजनबी बन जाए। चलो 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 सनम अजनबी बन जाए, चलो 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 सनम अजनबी बन जाए। चलो 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 सनम अजनबी बन जाए, चलो 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 सनम अजनबी बन जाए। अजनबी 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 बेल करानी है बताइए, बहुत अच्छा लगा, सस्ते में कर दूंगा जी। नहीं चाहिए, नहीं, आप मौका तो दीजिए। आप देखिए सर, जो केस वैसे आपका बेल वेल करानी होगी। अरे भाई बोल, हम तो कोर्ट मैरिज करवाने हैं यार। ओए चोली ओए, इधर आ यार। क्या हाल है सर जी? तेरे से काम था, देख मना मत करियो, 1000 मिलेंगे। क्या बात है, आजकल पुलिस वाले वकीलों को पैसे बांट रहे। देख यार, पिछले हफ्ते कुछ टेररिस्ट पकड़े थे, पकड़े तो थे 4, लेकिन साहब ने मीडिया के सामने बख दिया कि 5 पकड़े हैं। अब आज कोर्ट में पेशी है और मीडिया भीड़ लगा के बाहर खड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूं? बस एक आदमी चाहिए यार मीडिया के सामने परेड करनी है, बस मुंह में कपड़ा डाल के फोटो खिंचवानी है बस। दिमाग खराब हो गया, फंसवाओगे मुझे? अरे तुझे कोर्ट में थोड़ी अंदर जाना है, देख मना मत करियो, नौकरी का सवाल है, साहब बाहर खड़े हैं। अरे किराया नहीं देना होता तो कसम से मना कर दिया होता मैंने। तो मेरा भाई है, आजा 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 आजा। लो लो भाई की लो। जय जनाब। ये ले, फटाफट तैयार हो जा। तू कौन बे? तू कौन? लश्करे तायबा। मैं मस्करे तायबा। होल्कर होल्कर, ये हैं वो 5 खूंखार आतंकवादी जिनको पुलिस ने आज विशेष अदालत के सामने पेश किया। इनके चेहरे जरूर ढके हुए हैं, लेकिन अपने ढके हुए चेहरों के पीछे ही अपनी हैवानियत और अपने नापाक इरादों को नहीं छुपा सकते। कैमरामैन अशोक सिंगल के साथ विनय कटियार, 23 खबर। गुड मॉर्निंग कॉल साहब। गुड मॉर्निंग, कैसा है जॉली तू? बस बिल्कुल ठीक हूँ गौल साहब। अरे गौल साहब एक चाय पिला दो ना यार। हाँ भिजवाता हूँ। अरे छोटू जी, बाबूजी एक चाय देना जॉली साहब को। लाया। क्या हो रहा है? ए जॉली, हाँ ये एफिडेविट की स्पेलिंग क्या है? एफिडेविट ई से होती है, तेरे को पता है? लिख। हाँ एस ई एक्स।
AFFIDAVIT भैया। थैंक यू भाई वासु। भैया वासु है, कल ही रोहतक से आया LLB करके। अरे भाई लाइफ में कुछ और धानी करने के लिए जो वकालत कर ली। हाँ इतना नेक पेशा है जी भैया वकील का, न्याय के लिए लड़ना, दूसरों की मदद करना, मेरी नजर में इससे बढ़िया दूसरा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। चाय पिएगा जी? कौन सा भाई, चाय और दे दो। नमस्ते जीजा जी। हाँ भाई वकील साहब, क्या हो रहा है? मक्खियां मार रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पे। जो मेरठ में हो रहा था दिल्ली में भी वही हो रहा है। अब तू चिंता क्यों करता है? याद रख, हर वकील के दिन बदलते हैं, बस तब तक टिका के बैठा रहे। हाँ बेटा, किस्मत में होगा तो तू भी एक दिन स्टार वकील बनेगा, याद रखियो मेरी बात। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं कोर्ट में, ठीक है? ओके बाय बाय। स्टार वकील। पिछले साल 7516 एक्सीडेंट्स हुए दिल्ली में, लेकिन उसमें से कितने याद है यहां बैठे लोगों को? लेकिन पिछले 6 महीने के मीडिया रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ, सो कॉल्ड लैंड क्रूजर हिट एंड रन केस, विच इन्वॉल्व्स वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड लॉ अबाइडिंग फैमिलीज ऑफ द सिटी। एक एक करके ऑपोजिशन के सारे आरोप गलत साबित हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, FIR फाइल होने के 2 दिन बाद राहुल दीवान का नाम शामिल किया गया है। Why? It has never been proven that Rahul Diwan was present at the accident site. Never. ना ही कोई आई विटनेस सामने आया। And before I forget, where is that imaginary Land Cruiser in this great Land Cruiser hit and run case? बल्कि सब इंस्पेक्टर राठी के इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक यह एक्सीडेंट कार से नहीं ट्रक से हुआ है। वो सर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपके पास है। ठीक है ठीक है, आई हैव द कॉपी। पिछले 6 महीने से प्रोसिक्यूशन और मीडिया ने हल्ला मचा के रखा है, बट देयर इज नॉट वन सिंगल प्रूफ और एविडेंस, नथिंग। केस ही नहीं हुजूर, द ओनली केस इज द विक्टिमाइजेशन ऑफ माई इनोसेंट क्लाइंट राहुल दीवान। जनाब, प्रोसिक्यूशन राहुल दीवान को इनोसेंट नहीं मानता। आई डू नॉट केयर कि प्रोसिक्यूशन क्या मानता है और क्या नहीं। आई डिमांड एविडेंस। है आपके पास? कहां है लैंड क्रूजर? कहां है विटनेस? है? बस एक ही परसेप्शन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अमीर है तो जरूर कसूर होगा। कोर्ट के बाहर मीडिया ट्रायल्स होते हैं जिसमें ना कोई एविडेंस की जरूरत होती है ना कोई इन्वेस्टिगेशन की। बट लेट मी रिमाइंड यू प्रोसिक्यूटर साहब, दिस इज नॉट अ मीडिया ट्रायल, दिस इज अ रियल ट्रायल। और सिर्फ एक आदमी इस केस का फैसला सुना सकता है, वो है यहां बैठे हुए हमारे जज साहब। यू स्टिल हैवंट लॉस्ट टच ऑफ योर पैशनेट स्पीचेस मिस्टर राजपाल, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। नागपाल साहब, एनी फर्दर सबमिशन? जज साहब, अगर थोड़ा सा टाइम मुझे और मिल जाता तो मैं कुछ पॉइंट्स पर री इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता हूं। अरे और कितना टाइम चाहिए? 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडियन कोर्ट में, एक फैसला जल्दी हो रहा है उसे होने दो। लेकिन बैठ जाइए। तो ठीक है जी, इन द लाइट ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द ट्रायल, दिस कोर्ट होल्ड राहुल दीवान नॉट गिल्टी। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। कांग्रेचुलेशंस राजपाल साहब, इट्स ऑल गुड। हाथ में कांग्रेचुलेशंस। सर सर सर, बहुत बड़ा फैन है जी आपका। मेरा नाम जॉली है, मैं भी वकील हूँ। जनाब 3 साल लॉ कॉलेज में इतना नहीं सीख पाया जितना आपने 5 महीने सिखा दिया जी। जी मेरठ से हूँ मैं और बिल्कुल आपके साथ बनना चाहता हूँ। मजा आ गया सर। मे गो। जी जी, गुड लक सर।
I have no words to thank you, Mr. Rajpal. After all, Rahul is the future of our family. Indeed, indeed. और जवानी में ऐसी गलतियां हो जाती है बच्चों से. इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जिंदगी कोर्ट के चक्कर खाने में या जेल में खराब हो. Completely agree with you, दीवान साहब. गलतियां तो सबसे होती है. और frankly, फुटपाथ सोने के लिए थोड़ी बनाई है गवर्नमेंट ने. योगी जी पापा. Here you go, Mr. Rajpal. Your full and final payment. Thank you very much. Papa insisted कि ये मैं आपको आज ही दूँ. क्या हुआ? कोई problem? हमने तो अलग amount decide किया था. Decide किया था, लेकिन case भी तो सिर्फ 6 महीने में खत्म हो गया. Exactly my point. 6 महीने में लड़का घर आ गया. Come on, Mr. Rajpal. Yogi, make it 30. Okay. Here you go. Happy? केस के शुरुआत में आप तो करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार थे. And I have to keep a lot of people happy, Mr. Divan. Well, with this you can keep a lot of people happy. So please, keep this and don't be greedy. Okay. Mr. Divan. Devan Saab, thank you so much. I'll take your leave. And take care of your health. Bye. अभी क्या सुन रहा हूं मैं? तूने PIL फाइल की है? दिमाग खराब हो गया कि तेरा? अबे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है तू? जी जी बैठो ना, बैठ के बैठ के बात करते हैं। बैठने से क्या हो गया यार? आराम से बैठो ना, बैठो बैठो बैठो, रिलैक्स यार। साले एक एफिडेविट फाइल करना होता था तो दिन में 10 बार फोन करता था। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले पूछा तक नहीं मुझसे तूने? अगर मैं पूछता तो आप परमिशन दे देते? पागल हूं क्या मैं? अब कुएं में कूदने की सलाह क्यों देता तुझे? आपको ये कुआं नजर आ रहा है? जीजा जी आंखें खोल के देखिए, अखबार उठा के देखिए, न्यूज़पेपर, टीवी में सब जगह इसी केस के चर्चे हैं। आप ही तो कहते थे ना एक दिन तेरा टाइम आएगा। बस मेरा टाइम आ गया। ये मौका गवा के ना मैं इन लोगों की तरह झंडू नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो तुझे लगता है कि इस PIL से तू बहुत बड़ा एडवोकेट बन जाएगा और फिर मीडिया मीडिया तेरे आगे पीछे घूमेगी और तू अपनी दुकान एकदम सेट कर लेगा, है ना? बेटा इतना आसान नहीं है, और अगर इतना ही आसान होता ना तो ये सारे के सारे का झंडू बैठे हैं। ये सब अभी तक सोच रहे होंगे, आप जैसे किसी समझदार इंसान से सलाह ले रहे होंगे। और मैंने जाके PIL फाइल कर दिया। सिंपल है जी, सवाल ये है कि पहल कौन करता है?
माय लॉर्ड सिप, म्यूजिक डायरेक्टर एक सुनार की तरह दिन रात मेहनत करता है। इतनी मेहनत, त्याग, तपस्या से बड़े गाने को यदि कोई म्यूजिक डायरेक्टर चुरा ले तो ये उस संगीतकार के प्रति कितना जघन्य अपराध होगा। जनाब जज साहब, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि म्यूजिक डायरेक्टर संगीत लहरी ने मेरे क्लाइंट सरगम कुमार के गाने की ट्यून चुराई है। इसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए। जज साहब, यह है वो 6 महीने पुरानी स्क्रेच म्यूजिक की ट्यून जो हमने तैयार की है, ओरिजिनल। आप खुद सुन लीजिए, पता चल जाएगा कि असली कौन सी है। मलाड सिंह, सीढ़िया तो हमारे पास भी घड़ी है, आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि असली धुन कौन सी है। अरे एक मिनट, ओए क्या हो रहा है यहाँ पर? कोर्ट है ये, 29 केस हैं आज के। कोई रेप का है, कोई मर्डर का है, कोई करप्शन का है। बैठ के कवाली सुनूंगा मैं तुम्हारी यहाँ पर? है हाँ जी, आपका नाम क्या है? सरगम कुमार सर। आप अपना गाना गाओ। जी सर। गाना गाओ अपना। गाओ। जय माता दी, लेट्स वॉक। मेरे तो लगे लगे, मेरे तो लगे लगे। बस ठीक है, बहुत है। बस ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सर, संगीत लहरी। हाँ, आप अपना गाना सुनाओ। जी। अरे क्या कर रहे हो, कैसे हो गए आप? बैठो, आपके बस की। माय लॉर्ड सिप, इस गाने की कंपोजिशन मुझे याद है और मैं स्वयं आपके सामने ये गाना सुनाने की इजाजत चाहता हूँ। मेरे तो लगे, मेरे तो लगे। सा 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 नी सा नी सा नी सा गामा पानी सा पानी सा टांगा सा सा नी धा पा मागरे सा मेरे तो अरे ठीक है, बस 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 कांसेन जी, बस करो। ओके साहब, गाते बहुत बढ़िया हो आप। थैंक यू माय लॉर्डशिप। एक्चुअली हाँ भी, जब चालू एक छोटी सी ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी है जी अपनी, बर्थडे, जागरण, एनिवर्सरी, सभी का अड्डा लेते हैं जी। भाई एक बात समझ में नहीं आई। क्या? केस की फाइल तो आपके पास है, फिर आपने हमसे इतनी फाइल लाने को क्यों कहा? अबे अगर ये बात तेरी समझ में आती तो तू मेरी जगह पे नहीं होता। हाँ जी। देख, कोर्ट में ना वकील के टेबल पे ढेर सारी फाइल होनी चाहिए। सामने वाले वकील को और जज को दोनों को लगता है साले ने बड़ी तैयारी करके आया होगा। इंप्रेशन इंप्रेशन। पर आप तो तैयारी करके आए हो ना, सुना है बहुत खड़ूसी है जज त्रिपाठी। अबे चल देखते हैं साले को। हाँ जी मिस्टर त्यागी। जी सर। हाँ जी, ये जनहित याचिका क्यों दायर कर दी भाई? भाई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, जज साहब ने भी सोच समझ के दिया होगा जजमेंट, तो फिर ये री इन्वेस्टिगेशन क्यों चाहिए आपको इसमें? हुजूर, पिछले फ्राइडे का टाइम्स ऑफ इंडिया तो आपने पढ़ा ही होगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस ने कई फैक्ट्स तोड़ मरोड़ के पेश किए और कई ऐसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो पेश ही नहीं किए। जनाब इतने सारे आई विटनेस के इंटरव्यू छप चुके हैं पेपरों में, लेकिन एक को भी विटनेस के तौर पर नहीं बुलाया गया। सर NDTV पे पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम था इसके बारे में, और स्टार क्या था वो, कौन सा वो वी द पीपल? हाँ उस पे एक मिनट। हाँ क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी, जॉली जॉली कहते हैं मुझे। कहाँ से LLB की आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। तो वहाँ आपको किसी ने सिखाया नहीं कि कोर्ट के अंदर मीडिया रिपोर्ट को एडमिसिबल एविडेंस नहीं मानते हैं? फिर यहाँ खड़े होकर रामायण क्या सुना रहे हो मुझे? और ये PIL डाल दिया आपने, अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है, हर लाइन में 5-5 मिस्टेक है आपकी, ये बस मुंह उठा के PIL डाल दी। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है आपके पास पेश करने के लिए? सर मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता एविडेंस जमा करने को। अरे तो एविडेंस इकट्ठा पहले करना चाहिए था ना आपको, यहाँ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? सॉरी सर जी, अगली डेट डाल रहा हूँ। ठीक है जी, तब तक एविडेंस आ जाना चाहिए, समझ में आई ना बात? नहीं तो PIL उठा के बाहर कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा मैं।
जल्दी जॉली, घर नहीं जाएगा? चाहता हूँ यार, तू जा। Excuse me, sir. जगदीश त्यागी, जॉली आप ही हैं? वो राहुल दीवान केस में PIL आप ही ने फाइल किया है? हाँ किया है। आपको कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, खुशी है। मेरा नाम एल्बर्ट पिंटो है सर, मैं गोवा का रहने वाला हूँ। छोटा सा बिजनेस है मेरा, उसी सिलसिले में दिल्ली आना जाना लगा रहता है। और उस दिन 20 अप्रैल जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, मैं शहर में था सर, और देर रात फिल्म देखकर मैं अपने होटल में लौट रहा था, तब मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ है सर। मैं इस केस का इकलौता चश्मदीद गवाह हूं सर। तो अब तक कहां थे, कुछ किया क्यों नहीं? सर अब एक आम आदमी जितना कर सकता है उतना तो मैंने किया था सर। उस रात मैं तुरंत गया था पुलिस स्टेशन और मैंने उन लोगों को बताया कि मेरे सामने ये एक्सीडेंट हुआ है और कंप्लेन लिखवाई सर मैंने। कॉपी है कंप्लेन की? आप तो जानते हैं सर, इतने बड़े बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। मुझसे कहा गया था कि जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे, आपको पूछेंगे, लेकिन सर मैं इंतजार करता रह गया। किसने बुलाया नहीं, किसने पूछा नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। उसके बाद पता चला कि आपने PIL फाइल किया है, तो हिम्मत मत ही सर, कोई तो है जो सच्चाई के लिए खड़ा हो रहा है इन लोगों के सामने। बस चला है सर आपके पास। ये सब तुम कोर्ट में बोलोगे? बिल्कुल बोलूंगा सर, जरूर बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। मैं सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं सर, आप ये मानिए मैं आपके साथ हूं। लैंड क्रूजर एक्सीडेंट मामले में PIL फाइल करने वाले वकील जगदीश त्यागी उर्फ जॉली ने अब कोर्ट में एक एफिडेविट देकर सनसनी फैला दी है। इस एफिडेविट में एल्बर्ट पिंटो नामक एक व्यक्ति को उन्होंने इस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह बताया है। कोर्ट ने एफिडेविट को स्वीकार करते हुए राहुल दीवान के वकील तेजेंद्र राजपाल को अगली तारीख पर हाजिर होने का हुक्म दिया है। अली जज के सामने रिस्पेक्ट से रहियो। अरे राजपाल साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे उतरते नहीं हो, कभी कभी हमें भी दर्शन दे दिया करो यार। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, I've been a little tied up. सर चाहे पंखा जरा इधर करना। So good to see you. Same here जी। राजपाल साहब। Yeah, sure. बोलिए। ये डिलाइट बिल्डर्स जो हैं, ये नोएडा वाले, ये आपके ब्रदर इन लॉ? हाँ ब्रदर इन लॉ। वो फ्यूचर सिटी क्या? Oh, it's wonderful. जनाब, आपको कोई इंटरेस्ट है उसमें? हाँ नहीं, मैं एक छोटा सा 3-bedroom हॉल देख रहा था वहाँ पे। आपके लिए 3-bedroom हॉल का, आपको तो बंगलो लेना चाहिए। जस्टिस चैटर्जी ने लिया है जनाब। विटनेस एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। चैटर्जी का तो आपको मालूम है, रेट बहुत लगा रहे हैं। मैं बात कर लूंगा, I'll put in a word और काम हो जाएगा। राजपाल साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी। आप सर मैं विटनेस पेश करूं सर? अरे तुमसे 2 मिनट सबर नहीं होता क्या? तुमसे गाड़ी छूटी जा रही है क्या? हैं? सॉरी सर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नो बिग डील, कैन बी अरेंज्ड। चले बाद में मिलते हैं। हाँ तो बोलो, अब क्या बात है? सर मेरा वो विटनेस था ना सर, आई विटनेस एल्बर्ट पिंटो। कौन आई विटनेस? जी एफिडेविट दिया था मैंने। हाँ तो कौन है एल्बर्ट पिंटो सर? हाँ तो ठीक है, वहां क्या खड़े हो, यहाँ क्या खड़े हो, जाओ, यही है विटनेस बॉक्स, चल जाओ इस पे। अरे फिल्म वल्मों में काम करते हो क्या? नाम तो बड़ा फिल्मी रखा हुआ है। नहीं सर। तो एल्बर्ट पिंटो साहब जी, आपके एफिडेविट के मुताबिक आपने बयान दिया है
कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना सिर्फ आप वहां स्पॉट पे मौजूद थे बल्कि वहां पर आपने राहुल दीवान को भी देखा था, करेक्ट है? यस सर। तो पिंटो साहब ये बताओ ये एक्सीडेंट कब हुआ था? सर 20 अप्रैल। कितने बजे हुआ था एक्सीडेंट? सर लगभग रात के 1:10-15। तब आप कर क्या रहे थे वहां पर? मैं सर लेट नाइट मूवी देख के वापस जा रहा था। कौन सी फिल्म देख रहे थे? सर जोधा अकबर। जनाब वो पुलिस कंप्लेन की कॉपी, वो होटल के बिल्स और वो फिल्म की टिकट, वो तीनों हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए जी। हाँ जी राजपाल साहब जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? थैंक यू यार। सबसे पहले आप कोर्ट में एसी लगवाओ, इतनी गर्मी है, पसीने छूट रहे, आप 8-8 घंटा कोर्ट चलाते हैं, कैसे काम करते हैं आप? ऐसे ही चलाते हैं राजपाल साहब, 2 महीने से एप्लीकेशन डाल रखी हमने, पंखे चल रहे हैं वही बहुत समझो। अब ये सब छोड़ो, अब ये बताओ इसके बारे में आपको कुछ कहना है? फ्रेंकली मैं बिजी था, मैं शिमला गया था अपनी भांजी की शादी के लिए, तो मैंने एफिडेविट देखा नहीं। वी रियली अप्रिशिएट इफ यू गिव अस अनदर डेट। हां तो डेट दे देते हैं, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वकील साहब? जनाब ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन बस एक रिक्वेस्ट थी जी, अगली डेट पे अगर आप राहुल दीवान को भी पेश होने का ऑर्डर दे दें तो मिस्टर पिंटो उनकी शनाख्त कर लेंगे और काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा जी। ये कोर्ट है मिस्टर त्यागी, यहां जल्दी कुछ नहीं होता। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स माय क्लाइंट इज बीइंग फर्दर विक्टिमाइज्ड। राजपाल साहब मैं बैठा हूं ना, आप बेफिक्र रहो, आपके क्लाइंट का कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। बच्चा वैसे भी घर पे बोर हो रहा होगा, हमारी कोर्ट देख लेगा, हैं जी? तो मैं डेट दे रहा हूं भाई। हां ओके मिस्टर राजपाल। मिस्टर राजपाल आज कोर्ट ने राहुल दीवान को पेश करने के ऑर्डर्स दिए हैं, योर कमेंट्स? वी विल रिस्पेक्ट द कोर्ट ऑर्डर, व्हाट एल्स? और अगर मिस्टर अल्बर्ट पिंटो ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो? वेल मीनल, इफ यू आस्क सिली क्वेश्चंस लाइक दिस ही माइट आइडेंटिफाई यू। डू यू नो द एविडेंस ही हैज? डू यू? अ सिनेमा टिकट, जोधा एंड अकबर। कम ऑन मीनल, आस्क सम स्मार्ट क्वेश्चंस। मिस्टर त्यागी आज जो कोर्ट रूम में हुआ क्या आप उसे एक छोटी सी विक्ट्री समझते हैं? जी जी जरूर, बिल्कुल समझते हैं। अगर उसे बुलाया गया है कोर्ट में तो उसे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि इस केस में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें री इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। सर इफ यू डोंट माइंड, आज स्टूडियो में हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं इस केस पर, क्या आप आ पाएंगे? जी जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आप गाड़ी भेज सकते हैं? जी जरूर सर। थैंक यू सर। वन किचन प्लीज। ये सब क्या है कौन सा? ये तेरा चेंबर है। मगर कौन सा आप? अरे इतना बड़ा केस लड़ रहा है तू, उठने बैठने के लिए ढंग की जगह तो चाहिए। प्रेस वाले आएंगे, थोड़ा इंप्रेशन तो जमाना चाहिए ना। हाँ इसलिए आज से यहाँ अंदर कैंटीन बंद, तेरा चेंबर शुरू। कौन सा? मेरी हालत तो बहुत टाइट है, मैं तो आपको किराया भी नहीं दे सकता। किराया किसने मांगा है? किराया तुझसे? हाँ किसने मांगा है? ए, देख इतना छोटा समझा है मुझे तूने। मगर फिर भी कौन सा? हाँ फिर भी कुछ नहीं, ये तेरा चेंबर, यहां तू बैठेगा काम करेगा। ओके चाय भेजता हूं। सही कह रहा था बास। भाई वकील साहब चैंबर मुबारक हो, हाँ सही जा रहे हो। जीजा जी ये कॉल साहब की क्या स्टोरी है? क्यों तुझे नहीं पता? अरे वो फोटो नहीं देखी जो काउंटर पे लगी रहती है एक लड़की की? कौन है वो? कॉल साहब की बेटी थी, एक पुलिस वाले के लौंडे ने रेप करके मर्डर कर दिया था। सारे एविडेंस लौंडे के खिलाफ थे मगर राजपाल तो राजपाल है, भाई ने ऐसा चक्कर चलाया 6 महीने में बाइज्जत बरी होके लौंडा बाहर। अब बुड्ढा जो है 15 साल से कैंटीन चला रहा है कोर्ट में, दिन भर जजों वकीलों से घिरा रहता है लेकिन अपनी इकलौती बेटी को इंसाफ दिला नहीं पाया। बस ये समझ ले कि अपने दर्द का मरहम ढूंढ रहा है तेरे सहारे। अच्छा सुन,
अबे कल मेरठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, पक्का ना? चल ठीक है, मिलते हैं। हाँ भैया, किसे मिलने? कूरे बूरे लाए हैं या वकील साहब से मिला है? पापा नहीं है घर पे। सॉरी यार, छोड़ना। नहीं, वो बोलने की भी क्या जरूरत है? 3 महीने तो हुए हैं ना मिले हुए, है ना? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। बेवजह क्यों इमोशनल हो रही हूँ? मेरा तो दिमाग खराब है ना, दौरे पड़ गए मुझे नाराज होने के। दिल्ली में कोई दूसरी पार्टी मिल गई है ना वकील साहब? क्या बकवास कर रही है यार? सॉरी बोला, माफ कर देना यार, बच्चे की जान लेगी तू। मारना चाहती, गला दबाना चाहती है मेरा, तू मार ही देना मुझे। छोड़। सिर्फ तूने ही मुझे मिस किया, हाँ? मेरा क्या, मैंने तुझे मिस नहीं किया। पर क्या करता यार संदू, तेरा खरगोश ना दौड़ना सीख रहा था। अरे हाँ, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। खोल दो। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। पर मालूम खींच के। शेविंग किट। भाड़ में गए तेरा रोमांस। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? अरे खाली आता था क्या तेरे हाथ मांगने? हाँ, तेरे बाप के लिए कुछ ना कुछ तो लाना पड़ता ना, आखिर में होने वाले फादर इन लॉ मेरे। सच? जबान का पक्का हूँ, वादा किया था ना तुझसे। अच्छा, बड़ा समझदार हो गया ये जॉली। और नहीं तो क्या, जॉली से एडवोकेट जगदीश त्यागी बन गया हूँ मैं। अरे बहुत मानते हैं मुझे दिल्ली में। मानेंगे क्यों नहीं, इतना बड़ा काम जो कर रहा है। ए जॉली, मुझे ना तुझे वो जज के साथ जो बहस करते ना, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो देखना है यार। तो आ जाना, अगले हफ्ते बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत मजा आएगा। पक्का? अरे यार, मैं तेरे लिए कुछ लाया था, कहाँ रख दिया मैंने? ये तेरे लिए। मेरा यार बड़ा, ओ मेरा यार बड़ा, मेरा यार बड़ा है मकड़ा, इसे हौले हौले चखना। मेरा यार बड़ा है मकड़ा, इसे हौले हौले चखना। आज और कुछ ना बोलिए, मेरा यार बड़ा है मखना, इस हौले हौले चखना। आज और कुछ ना बोलिए, धर्म बिक नचना, धर्म बिक नचना, धर्म बिक नचना वे, धर्म बिक नचना, धर्म बिक नचना, धर्म बिक नचना वे। क्या जाने क्या है नशा, क्या खुमारी, जा रे दीवाने तू भी क्या जाने।
आइस? नो नो थैंक्स। हमारे पास वक्त है, दो चार दिन में कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। आई डोंट बिलीव दिस। अगली हियरिंग में दैट पिंटो बगर विल आइडेंटिफाई राहुल, और आप हैं कि कह रहे हैं डोंट वरी। लुक मिस्टर राजपाल, आई हैव गॉट टू एडमिट, मैं नर्वस हूं, और मैं नर्वस इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, बट आई हैव टू एडमिट दैट बगर हैज गॉट अस थिंकिंग, ही हैज। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर वी स्टिल थिंकिंग, आई मीन मैं तो कहता हूं लेट्स बाय दिस जॉली और व्हाटएवर। मिस्टर इवान, प्लीज प्लीज डू नॉट यूज योर हेड ऑन मैटर्स दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज दिस जॉली? Exactly what I'm saying. Who is this Johnny? I mean, no, why no, am I even... No, 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 what? He is nothing. He is nobody. Ek SMS se use send kar sakta hu. One bloody SMS. That's it. Do it. It is this Albert Pinto that is the problem. Honest bloody Indian. Mootha ki court pe chala aaya gawahi dene ke liye. It is his witness. That has got the media back in this case. That's the problem. Mr. Tyagi? Ah, Pinto. क्या हुआ भैया, क्या बात हो गई? नहीं कुछ खास नहीं, कई दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई और कल कोर्ट में यू नो जरा परेशान था। हाँ यार मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन यार कल तुम कोर्ट में ना राहुल दीवान को पहचान लो, उसके बाद देखना। नहीं मैं पूछना चाह रहा था मिस्टर त्यागी कि अगर कल मैं राहुल दीवान को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दूं तो विल इट बी अ बिग प्रॉब्लम? कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं अगर कोर्ट में मुकर जाऊं तो? मुकर जाऊं? देखो यार मुझे पता है कि इन लोगों के साथ लड़ना मुश्किल है, लेकिन हम लोग तो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं ना, उन गरीब मजदूरों के जस्टिस के लिए। जस्टिस? आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हो? मेरा इस्तेमाल करके अपनी वकालत चमका रहे हो आप। खैर छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं। डील हो गई है दीवान फैमिली से, 2 करोड़, 10% आपका। बस कल मैं जो भी कोर्ट में बोलूं आप चुप रहना, क्या कहते हो? डील? तू तो साला बाप टाइप निकला यार। मैं क्या सोच रहा था तू? पर एक गलती कर रहा है, अरे 250 करोड़ की पार्टी है, 2 करोड़ के चिल्लर लेके मत चुप हो जा, मुझे साथ में लेके चल निगोशिएशन के लिए, रीनिगोशिएट करते, 5 करोड़ कम से कम दिलवाऊंगा। अरे राजपाल की फट रही है तेरे बयान से। 5 करोड़ मांग ले? हाँ राजपाल की फटी पड़ी है। हाँ आपसे? ओ बाबू। अरे बड़े बोले हो बाबू जी, जिस राजपाल ने सारा खेल रचा उस राजपाल की आपसे फटी पड़ी है। मैं कोई आईविटनेस वाईविटनेस नहीं हूं, ना मैंने कोई पिक्चर देखी, ना मैं किसी होटल में रुका, ना मैं पुलिस में गया, मैं राजपाल साहब का आदमी हूं, उनके लिए काम करता हूं। तुझे राजपाल ने भेजा मेरे पास? झटका लगा? देते रहते हैं ऐसे झटके राजपाल साहब। अभी तो नई नई प्रैक्टिस शुरू हुई आपकी, अभी ऐसे और भी एक्सपीरियंस होंगे है ना, लेकिन किस्मत आपकी भी अच्छी है, 2 महीने में पॉपुलर हो गए पूरे मीडिया में। और सुना आपको चेंबर भी दे दिया कॉल साहब ने, वाह।
तरक्की मुबारक हो वकील साहब। देख भाई गुरु, ठंडे दिमाग से सोच, अगर तू ना गएगा तब भी मैं तो कल कोर्ट में मुकरने वाला हूं, और हां कहने के 20 लाख। क्या ख्याल है? 20 लाख। स्मार्ट डिसीजन। ये ले तेरा एडवांस, पूरे 2 लाख, बाकी डेट के बाद, ठीक है? और हाँ, एक SMS भेज देना राजपाल साहब को, थैंक यू, अच्छा लगेगा उनको। Maharashtra State versus Gokhale, and the deciding judge was Ranade, if I'm not mistaken. Hang on. Here's your money, Mr. Rajpal. Now, please, get my son out of this mess, once and for all. Mr. Diwan. ये क्या है? ये वो 30 लाख का चेक है जो आपने मुझे दिया था। अब मैं ये तभी लूंगा जब राहुल इज कंप्लीटली फ्री ऑफ दिस मेस। थैंक यू सो मच मिस्टर राजपाल। विवेक संभाल के रख लो। यस सर। एंड विवेक, यू डोंट बी ग्रीडी। यू आर जीनियस सर। आई एग्री। आई ओनली डिमांड व्हाट आई डिजर्व एंड नोबडी कॉल्स मी ग्रीडी। अरे आ गया, तूने तो कहा था 7 बजे तक जरूर पहुंच जाऊंगा संधू, और फोन भी नहीं उठा रहा था। वो वासु नहीं आता ना मुझे लेने बस स्टैंड पे, तो मैं वहीं की वहीं खड़ी रह जाती। बहुत कुछ सीखना है बेटा जॉली। साला मैं समझ रहा था कि इस पूरे खेल का रिमोट मेरे हाथ में, राजपाल तो राजपाल है, ब्रिलियंट है। मान गए राजपाल साहब, सारी दुनिया ऐसे नहीं झुकती उसके सामने। ब्रिलियंट, बड़ी ऊंची चीज है ये। कहाँ है राजपाल साहब, मान गए। क्या हुआ, जरा ठीक से समझाएगा? यार समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूं, इस डील में मेरा नुकसान हुआ या फायदा? कौन सी डील में? वो जो अल्बर्ट पिंटो है ना। हाँ। वो राजपाल का आदमी निकला। What? हाँ यार, उन लोगों को सेटलमेंट हुआ 2 करोड़ का, और हमारे से है 20 लाख। बस साला नुकसान हो गया यार। शाह, नुकसान हो गया यार चोली, नुकसान हो गया। साले ने उल्लू बना के सारा माल अंदर कर लिया। कम से कम 50 लाख की डील मिलती, या पिंटो राहुल दीवान को कोर्ट में आइडेंटिफाई करता और राजपाल का मुझे फोन आता। नुकसान हो गया यार। लेकिन जब खेल मेरा था ही नहीं तो नुकसान कैसा? और अगर 2 करोड़ उन्हें मिले हैं तो 20 लाख हमें भी तो मिले हैं। और संधू, 20 लाख काफी पैसे होते हैं यार। ये देख,
2,00,000 रुपए एडवांस। क्यों 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 किया तूने ऐसा? हाँ तुझे हो क्या गया है? ये सारी मेहनत, ये तुम्हारा केस, एक डील थी बस, और वो जो 6 मजदूर उनके जाने गई, उनके लिए इंसाफ का लड़ना सब बकवास। अरे चिल्ला क्यों रही है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? 4 पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आई है, जाने देता? अरे प्रोफेशन है मेरा। प्रोफेशन तेरा वकालत है, ये जो तू कर रहा है ना इसे दलाली कहते हैं। तो ठीक है, दलाली ही सही, हूं मैं दलाल। खुश, तुझे क्या लगता है मैं केस जीतने के सपने देख रहा हूं? इतना बावला नहीं हूं मैं, किस्मत से एक मौका मिला है छोड़ दूं? और ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं मैं। मैंने आज तक ऐसी क्या डिमांड की है चौली? ये आलीशान सा मकान, गाड़ी सब मेरे सपने थे। मैंने कहा था दिल्ली आने को, अपनी कमजोरी के लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रहा है? और चलो मान ले तू ये सब मेरे लिए कर रहा है, मुझे एक बात बता, मैंने आज तक तुझसे क्या डिमांड की है ऐसी कि तू आज इस हद तक गिर गया? अरे क्या भरा है तेरे दिमाग में, कौन गिर गया, सटिया गई है क्या? और अगर इतनी तकलीफ है ना दलाल से, जा कुछ सत्यवादी हरिश्चंद्र ढूंढ ले अपने लिए। बकवास करती है। क्या चाहिए था तुझे? अखबार में फोटो, नाम, शौहरत, टीवी पे इंटरव्यू, बस यही ना? ये सब तो तुझे ईमानदारी से लड़ने से भी मिल जाता ना चौली। सारी अक्कल दलाली में ना बेच खाई हो तो जरा ठंडे दिमाग से बैठकर सोचियो, बड़े घाटे की डील की है तूने। ये वो नहीं है सर। पिंटो साहब, आपने अपने एफिडेविट में लिखा है कि उस रात आपने राहुल दीवान को देखा था, पक्का यकीन है ये वो नहीं है? नहीं, आई एम श्योर सर, ये वो नहीं है। वो तो अखबार में तस्वीर देख के लगा था कि मैं उनको पहचान लूंगा, लेकिन ये तो पिंटो साहब आपको मालूम है ना आपकी गवाही इस केस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? मैं जानता हूँ सर, लेकिन अब जस्टिस के लिए किसी इनोसेंट को तो मैं फंसा नहीं सकता ना सर। हाँ जी त्यागी जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? नहीं जनाब, मुझे कुछ नहीं कहना है। अरे यार चुप हो जाओ, कोर्ट है, नौटंकी नहीं चल रही है यहाँ पर। अरे त्यागी जी, आपको तो गवाह भी दक रहा है, ऐसे तो केस हाथ से निकल जाएगा, कुछ तो बोलो। नहीं जनाब, मुझे कुछ नहीं कहना है जी। ठीक है, अच्छा है, लगता पार्टियों ने भारी फैसला कर लिया है। चलो कोर्ट का टाइम बचेगा तो अगली डेट डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर। ओ जॉली, क्या बात है गुरु, शाबाश साले, लोग एग्जाम्पल देंगे तेरी सक्सेस का। आई एम प्राउड ऑफ यू, क्या बात है। मैंने तो सोचा था मैक्सिमम 7-8 लाख रुपए दे देगा, 20 लाख। छा गए गुरु, छा गए। देखियो एक दिन तू ना राजपाल से भी बड़ा वकील बनेगा। आपको कैसे पता इसके बारे में? अबे ऐसी डीलें चुपती थोड़ी ना है बेटा, अब तक तो पूरे कोर्ट को पता चल गया होगा। चीजा जी, मैंने ठीक तो किया ना? ठीक? अबे मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक। अब तू घर जा। कॉल साहब, आज कोर्ट के अंदर। अरे कॉल साहब, नहीं चीजा जी। आ,
सारी मेहनत की तुम्हारा केस एक डील थी बस, और वो जो 6 मजदूर उनके जाने गई उनके लिए इंसाफ का लड़ना सब बकवास। बाबूजी पेशाब जरा उधर कर लेंगे, यहां हमारा परिवार सोता है। एक्सीडेंट केस में मुख्य गवाह अल्बर्ट पिंटो के अपने बयान से मुकर जाने के बाद ये केस फिर ढीला पड़ता जा रहा है, और ऐसा लगता है कि एक बार फिर तेजिंदर राजपाल की ही जीत होगी। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जब से अल्बर्ट पिंटो ने कोर्ट में अपनी गवाही दी है तब से ना उनका ना उनके वकील जगदीश त्यागी उर्फ चौली का कोई पता है, और पिंटो की गवाही के समय उनकी चुप्पी एक राज बन गई है। ये पूरे मामले को देख कर एक ही बात कही जा सकती है, गरीब की जान अमीर की गाड़ी से सस्ती है। मिस्टर जगदीश त्यागी, गुड आफ्टरनून सर, मैं बतराटो मोबाइल से आया हूँ आपकी गाड़ी की डिलीवरी देने के लिए। ये आपकी कार सर जी, सेकंड हैंड पर ब्रांड न्यू। आइए आपको इसके फीचर दिखाता हूँ सर जी। पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है सर इसमें, और इंजन के बारे में क्या बताऊं सर, कमाल का। मतलब आप एक्सीलेटर पे पैर रखे तो गाड़ी तो मतलब 100 की स्पीड में कमाल लगता है, भागती है गाड़ी, बहुत बढ़िया गाड़ी सर। ये देखिए सर, और ये कलर भी आपने बहुत मस्त किया सर जी, ये आवाज भी आएगी सर जी। सर बम्पर बहुत बड़ा सर, सर सर अरे सर क्या कर रहे हैं सर, अरे सर क्या कर रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं सर, आपकी कार है, अपनी कार है। अरे इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अपने करियर की शुरुआत में मेरे साथ लड़ रहे हो। मैंने आज तक जितने भी केस जीते मेरे ऑपोजिशन के वकील अपने चेंबर्स में मेरी तस्वीर लगाते, गिफ्ट्स भेजते दिवाली होली पे। सिबल, हिज फर्स्ट केस वाज अगेंस्ट मी, यू नो दैट, स्लैम्ड हिम कंप्लीटली। ही इज ऑलवेज सो ग्रेटफुल। This is from him, by the way. लोग तो यही कहेंगे ना, तेजिंदर राजपाल के सामने लड़ रहा है तो अच्छा ही वकील होगा, करियर बन जाते हैं। तुम्हारे जैसे वकील के लिए 20 लाख बड़ी रकम है, रख लो। मेरा इरादा कुछ और है राजपाल साहब, मैं सोच रहा था कि आपसे हार कर वकीलों के करियर बन जाते हैं तो आपको हरा के तो उनकी लाइफ बन जाएगी। अब तक तो मैंने ये केस लड़ना शुरू भी नहीं किया है और तुम्हारी ये हालत है। 2 कौड़ी के वकीलों को, 2 कौड़ी के क्या कर लोगे तुम? मेरठ का हूं, अपनी औकात पे आ गया ना तो गाने का गुड़गांव बना दूंगा। इमोशनल फूल। भाई तू ना मेरी समझ से बाहर है, पहले तुझे मना किया था कि पीएल मत कर, तू नहीं माना, अब
जबकि सब कुछ सेट हो गया है तो 20 लाख रुपए तू राजपाल को वापस कराया। अरे अक्ल बेच खाई है क्या नौचंती के मेले में? अबे फिर सोच ले, संध्या 2-4 दिन में वापस आ जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। थिंक प्रैक्टिकल यार। प्रैक्टिकलिटी गई गधी के पिछवाड़े में। मुझे तो बस अभी लड़ना है। आप बोलो, आप साथ दोगे या नहीं? मतलब तू नहीं मानेगा? ठीक है भाई, बता दे फिर क्या मदद करूं तेरी। जीजा जी, दिल्ली पुलिस में तो आपकी अच्छी खासी पहचान है। एक्सीडेंट के बाद राहुल दीवान की गाड़ी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, वो टेप पुलिस के पास है जो उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया। मुझे वो टेप चाहिए। भाई काम मुश्किल है लेकिन एक आदमी कर सकता है, गुरुजी। आप सभी बड़े अफसरों को हवलदार रामगोपाल वर्मा का नमस्कार। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पोस्टिंग SHO थाना सदर बाजार की है और ऊपर से स्पेशल ऑर्डर आया है कि बिट 20 लाख से शुरू होगी। हाँ, एक और स्पेशल ऑर्डर आया है कि नियुक्ति केवल क्लीन इमेज ऑफिसर की होगी। तो ऊपर वाले का नाम लेके शुरू करते हैं। बोली लगाइए। 30 लाख। 35 लाख। अरे चौहान, सुना नहीं, क्लीन इमेज वाले ऑफिसर चाहिए? तुम्हें तो CBI की इंक्वायरी चल रही है गुड़गांव वाले लैंड ग्रैब केस की। और तू तो बड़ा दूध का धुला है ना गुप्ता, तेरा वो हवाला वाला केस, उसका क्या हुआ? अरे चौहान साहब, 4 बच्चों के बाप हो गए फिर भी बचपना कर रहे हैं आप, आपस में एक दूसरे का नाड़ा खींच रहे हैं। कमाल है यार। फिर से शुद्ध मन से शुरुआत करते हैं, ठीक है? 40 लाख। एक और आ गया जी, क्लीन इमेज वाले अफसर। 6 महीने पहले जमानत पर छूटे ये, एक रेप का केस चल रहा है इनके ऊपर। अच्छा, और तू जो लौंडों के साथ रंगरलियां मनाता फिर रहा है उसके बारे में बताऊं यहाँ सबको? जाने दे गुप्ता, मेरा मुंह मत खुलवा। अरे हिम्मत है तो बोली लगा, ये लुगाइयों की तरह चुगलियां मत कर। जी वो 45 लाख। 50 लाख। 55 लाख। 60 लाख। और जी 65 लाख। 65 लाख। 65 लाख। यस, ये हुई ना अफसरों वाली बात। यार ये तो मैच ही टाई हो गया। अरे मतलब इतने अफसर में से कोई एक क्लीन इमेज वाला अफसर नहीं है जो इनके बिट को इक्वल कर सके। गुरुजी, हाँ मैं भटनागर साहब, आपके तो शादी में गए थे हम। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या था लास्ट केस आप पर? गुरुजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2006 ईव टीजिंग केस है सर। ईव टीजिंग केस? हाँ, ये कोई केस होता है? आप इधर आइए, आप इधर आइए सर, बताइए। भटनागर साहब ईव टीजिंग पे ही लटके हैं, आप इधर आइए। भटनागर साहब, वी ऑल पुलिस डिपार्टमेंट फील प्राउड ऑफ यू, डू यू नो दैट? नो सर। लो, हम इनका प्राउड लिए घूम रहे, इनको पता ही नहीं। 65 लाख 1, 65 लाख 2, 65 लाख 3। संदीप भटनागर साहब, आप अगले हफ्ते अपनी रकम जमा करवाइए, अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाइए, ठीक है? अरे कहेगा थैंक यू, अभी रुकिए तो सही। SHO संदीप भटनागर, थाना सदर बाजार, गिव हिम अ बिग क्लैप। आजा। प्रणाम गुरुजी। हाँ भाई बानू प्रसाद, क्या हाल है? प्रताप। हाँ 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 हाँ, प्रताप वकील, काम हो जाएगा आपका, 5 पेटी दे दो बस। बजट थोड़ा कम है गुरुजी, थोड़ा कंसेशन। थोड़ा 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 कितना? थोड़ा सोच के आए हो? कितना थोड़ा गुरुजी? 1 लाख रुपए। अरे देखो गुरुजी, नया नया वकील है लेकिन केस बहुत इम्पोर्टेंट है, मना मत करना गुरुजी। बड़ी उम्मीदें लेके आए आपके पास, मुझे पता है आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अरे यार दरबार तो ठीक है, धर्म संकट में डाल दिया तुमने। आप तो डावरी वावरी का केस करते हैं ना वकील साहब? जी गुरुजी। ठीक है, एक काम करते हैं, 1 लाख रुपया अभी नगद दे दो और अगले आने वाले 1 साल तक
जो भी डावरी के केस है ना 15% मुझे दे देना कमीशन। देखो सोचो मत, टाइम नहीं है, करवा चौथ का दिन है, घर पे बीवी भूखी वेट कर रही है, मुंह से बोलो। हाँ क्या? मंजूर है गुरुजी। गुड, ठीक है, ये लीजिए 1,00,000 रुपए। ठीक है, बुधवार को सीढ़ी आगे ले जाना। ठीक है जी। मोहन रुक जा, मैं भी चलूंगा यार। अरे घर हमको भी जाना है भाई। ये क्या किया जीजा जी, 1,00,000 रुपए और साल भर के लिए? पहली बार ईमानदारी से लड़ रहे हैं यार, चल जम के लड़ते। जनाब क्या मैं पूछ सकता हूं कि कोर्ट में क्या हो रहा है? एल्बर्ट पिंटो के बाद ये कोई नया गेम है? इस सीडी का हमारे केस के साथ क्या लेना देना है? जनाब मुझे लगता है राजपाल साहब ने सीडी ध्यान से देखी नहीं है। वासु रिवाइंड का जरा। जी भैया। हाँ बस बस रोक दे। DL5C B3101। ये गाड़ी योगराज दीवान के नाम पे रजिस्टर्ड है जनाब। रजिस्ट्रेशन और परचेस के पेपर्स सबमिट कर दिया हमने, आप चाहें तो देख सकते हैं। लाइट जलाइए जरा। जनाब मैं दिल्ली पुलिस के उस कांस्टेबल को एज ए विटनेस बुलाना चाहूंगा जनाब, जिसने ये सीडी रिकॉर्ड की है। सॉरी जनाब, लेकिन ऐसा लगता है कि आजकल के लड़के हिंदी फिल्में देख देख कर वकालत करने चले आते। क्या मैं इसको पेश कर सकता हूं? अभी मैं उसको। आर यू इनवाइटिंग पीपल फॉर योर वेडिंग? कोई ने बता दे कि विटनेस को पेश करने से पहले एडवांस नोटिस दिया जाता है कोर्ट को भी और डिफेंस को भी, और परमिशन के बाद ही विटनेस को पेश किया जाता है। जनाब मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज मैं आपसे। आप अगली डेट पे पेश करो वकील साहब। जनाब मैंने बड़ी मेहनत की है जनाब इस विटनेस को यहां तक लाने के लिए, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। अब आप बड़ा मत जाओ यार सुबह सुबह वकील साहब, प्लीज सर। राजपाल साहब आपके सीनियर है, कोर्ट के 2-4 रूल रेगुलेशन अगर उनसे सीख लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे आप। रूल्स एंड रेगुलेशन कानून के फायदे के लिए बने हैं सर, इन्हें सच छुपाने का जरिया मत बनने दीजिए। इन्हीं लूपहोल्स का फायदा उठा के तो राजपाल जैसे लोग कानून के दल्ले बने बैठे हैं। दलाल, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं की। व्हाट डू यू मीन? मैं तमीज तो तुझे बाद में सिखाऊंगा, केस खत्म होने दे। ए, देखो त्यागी साहब, बाद में मतलब क्या? कोर्ट में बता के दिखा। ए अल्लाह मचाना बंद करो, कान के नीचे खींच के दूंगा ना, अगली सात पुलिस से तेरी साली बहरी पैदा होगी। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? तू सारी करूंगा क्या? अरे भाई मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, गाली मत दे, मैं कह रहा हूँ राजपाल। जनाब इसको मैं यही पीटूंगा, मैं बोल रहा हूँ। अरे केबल देखना मेरा किधर रखा हुआ है। अरे आप लोग चुप रहो यार, एक मिनट क्यों पड़ा है? एक तो तू चाय नहीं देता ढंग से, ऊपर से केबल भी नहीं रख सकता ढंग से ठिकाने पे। बस करो बस करो। अगर आप लोगों को ऐसे ही फैसला करना है तो बाहर डाल लो यार, हैं? मेरे कोर्ट का माल क्यों खराब करते हो? हैं जी? और राजपाल साहब आप तो इतने सीनियर लायर हो यार, हम खुद एजुकेट होते हैं आपसे कितनी बार, यार आप कैसे अपना कूल लूज कर गए? यू राइट, आई गॉट कैरिड अवे, आई शुड बी अ लिटिल मोर केयरफुल। यस यू बेटर बी, you can go now. Tagi sir. भाई आप इधर कोर्ट में क्या कर रहे हो यार, हैं? आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। कान के नीचे दरके बजाऊंगा, हाँ जी, औलादे बहरी पैदा होंगी। वकील साहब ये कोर्ट है, यहां पर वकील की इमेज ही सब कुछ होती है, समझे? नहीं
अरे नहीं नहीं, शुरू किया तुमने प्रैक्टिस यार, क्यों अपनी इमेज खराब करते हो? ऐसे इमोशनल होके केस नहीं लड़े जाते। वकील हूं सर, क्लर्क नहीं, सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। थोड़ा बहुत इमोशनल हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है भाई। वाह, ये तो बड़ा बढ़िया डायलॉग है यार, सच्चाई के लिए लड़ रहे हो। उस दिन आपकी सच्चाई कहां गई थी जब अल्बर्ट पिंटो ने अपना बयान बदल दिया था, मौन व्रत धारण कर लिया था क्या? धागी साहब, कानून अंधा होता है, जज नहीं, उसे सब दिखता है। नहीं जाओ, बाहर सच्चाई आपका इंतजार कर रही होगी, और मिल जाए ना तो भाई हमारी भी राम राम बोल देना उसको। और नहीं खाऊंगा यार। मामला काफी बिगड़ता जा रहा है मिस्टर राजपाल। जब भी लगता है कि बस सब कुछ खत्म हुआ, तब कुछ नया झमेला खड़ा होता है। ये सीढ़ी मिली कैसे उन्हें? वी ट्रस्टेड यू मिस्टर राजपाल। दीवान साहब, हैव सम फेथ इन मी, दो चार दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक कहां हो रहा है मिस्टर राजपाल? वो कल का लड़का तुम्हारे इंस्पेक्टर राठी के पुलिस डिपार्टमेंट से वो सीडी निकाल ले आया, और आप अब भी कह रहे हैं गिव मी सम मोर टाइम। कैसे? हमने पैसा पानी की तरह बहाया है, पर इट्स गेटिंग अस नथिंग। वो पिंटो को 2 करोड़ रुपए देकर हमें क्या फायदा हुआ? Why bring Pinto up? He did his job. But why not bring Pinto up? Job. That money is not wasted, by the way. पैसों की चिंता नहीं है मिस्टर राजपाल, फैमिली की बहुत बदनामी हो रही है। I understand. अगर आप बुरा ना मानो तो डू यू वॉन्ट एस टू कंसल्ट सम अदर लॉयर? आई मीन आई कैन स्पीक टू कपिल और मिस्टर जेठमलानी। दीवान साहब, are you doubting my ability? No, I don't. But इस उम्र में इकलौते पोते को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। We want you to deliver Mr. Rajpal. वकील साहब, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है आजकल? हाँ, 2-4 फोटो अखबार में क्या छप गए? किस मार खान समझ रहे हैं अपने आप को? सीनियर से बात करने की तमीज भूल गया? वार्निंग दे रहा हूं तुझे, याद रखियो, आइंदा राजपाल साहब से बदतमीजी से बात की ना, जहां से निकला वहीं बाड़ दूंगा। तो भाई साहब, राजपाल साहब से कहना राजपाल साहब से बता। Ah!
हुजूर पिछली बार इस कोर्ट में एक सीढ़ी दिखाकर बल्कि एक फिल्म दिखाकर हीरो बनने की कोशिश की गई। आई एडमिट कि उस सीढ़ी में जो लैंड क्रूजर है वो मेरे क्लाइंट की। आई ऑल्सो एडमिट कि एक्सीडेंट के रात को ही वो सीढ़ी बनाई गई थी, लेकिन उस एक्सीडेंट का इस केस से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट इट इज अ शियर कोइंसिडेंस कि दोनों एक्सीडेंट्स एक ही रात में हुए। एंड दैट्स व्हाई आई लाइक टू कॉल द फैमिली ड्राइवर ऑफ माय क्लाइंट। उसका नाम क्या है? कमलेश रावत। कमलेश रावत, एज अ विटनेस प्लीज। चलो जल्दी जल्दी। उस रात को क्या हुआ जरा कोर्ट को बताओ। जज साहब, उस रात में राहुल बाबा को किसी पार्टी में छोड़कर वापस आ रहा था। क्या टाइम होगा? 12:30 के आसपास। फिर क्या हुआ? रोड खाली थी और कार नहीं, तो मैं थोड़ा फास्ट चला रहा था बस, और एक टर्न पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। फिर तुमने क्या किया? मैंने साहब को फोन किया, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और पुलिस में जाकर कंप्लेन करने को कहा। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में इंश्योरेंस कंपनी के बंदे ने कार का वीडियो बनाया। यही है इस सीडी की असलियत। इसी सीडी की तस्वीरें मीडिया में, अखबारों में, न्यूज चैनलों में दिखा दिखाकर मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और इसी सीडी को आज ये दिखाकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। आई हैव द पुलिस रिपोर्ट कॉपी एंड द इंश्योरेंस कॉपी। तुम जा सकते हो जी। एक मिनट खड़े रहे वहां पे। एक आधा सवाल मैं भी पूछूं राजपाल साहब, आपको देख देख के थोड़ा बहुत सीख रहा हूं। नथिंग टू वरी। कितने साल से ड्राइविंग कर रहा है? जी 15 साल से। 15 साल से? फिर तो तू एक्सपीरियंस ड्राइवर है ना? जी। आधी रात को खुली सड़क पे इतनी महंगी इंपोर्टेड गाड़ी ठोक कैसे थी तूने? बताया ना सर, रोड खाली थी और मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। फिर भी क्या, 60-70 की स्पीड, इससे ज्यादा क्या होगी? क्या बात करते हो साहब, इंपोर्टेड गाड़ी है, 60-70 तो पहले गियर में चली जाती है। तू कौन से गियर पे था? मैं थर्ड गियर में, 100-110 की स्पीड रही होगी। थर्ड गियर पे। राजपाल साहब, ठीक से तैयारी नहीं करवाई आपने, पकड़ा गया आपका आदमी। जनाब ये आदमी झूठ बोल रहा है, जिस गाड़ी की बात हम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक है, उसमें गियर है ही नहीं, तो फिर ये तीसरे गियर पे कैसे चला रहा था? सर वो गाड़ी के पेपर्स हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जनाब ये कोर्ट में पहली बार आया, जरा नर्वस है, सो माय रिक्वेस्ट इज इफ यू कुड टेक अ स्टेटमेंट ऑन द नेक्स्ट हियरिंग। जनाब ये नर्वस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। हैं भाई, झूठ बोल रहा तू? हैं, तेरे को मालूम है कोर्ट के अंदर झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है? चल मुर्गा बन जा यहां पर, चल बैठ जा। हां, और बोल कुकड़ू कू। कुकड़ू कू। हां जनाब, एक बात और मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है केस छोड़ने के लिए, मुझे धमकियों वाले फोन आ रहे हैं और 2 दिन पहले मुझ पर हमला भी किया गया। सर दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। आई मीन देखो ना, मार मार के क्या हाल बना के रखा है। कोर्ट की लड़ाई अपनी जगह, बट वी शुड नॉट टॉलरेट एनीथिंग लाइक दिस। इतनी फिक्र है तो पिटवाया क्यों? मैंने पिटवाया? वैसे तुम्हारी हरकतें पिटने लायक ही है, बट आई हैड नथिंग टू डू विद दिस। नाटक मत कर राजपाल, पिटवाया ना तो मानने की हिम्मत भी रख। इज दिस द वे समबडी स्पीक्स टू अ सीनियर काउंसिल? अरे यार, आप लोग तो फिर लड़ने लगे यार। हा? अब तो एसी भी लगवा दिया, ठंडे हो जाओ भाई। हा? देखो जॉली साहब, मैं राजपाल साहब से इस बात पे अग्री करता हूँ, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। नहीं 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 सर, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं बस आपको ये बात बताना चाहता था, मैंने बता दी। अरे वकील साहब, जान है तो जहान है, मैं ऑर्डर देता हूँ पुलिस को, आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दे। हैं जी, ना तो अगर आपको कुछ हो गया ना तो हमें एक केस और झेलना पड़ जाएगा भाई यहाँ पर। हैं जी राजपाल साहब। जगदीश त्यागी, मिस्टर जॉली साहब। जी बोलिए। हवलदार हल्दीराम साहब, आपका बॉडीगार्ड, आधे घंटे से घर ढूंढ रहा था साहब, पैदल चलते चलते थक थक गया हूं साहब, थोड़ा पानी मिलेगा? नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले
पड़ गए, नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। स्कूटर की टंकी में टेंशन को डाल, स्कूटर की टंकी में टेंशन को डाल, पहन के गागल कटवा के बाल, देखो 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 हाँ देखो देखो, गागल पहन कर कटवा के बाल, कौआ चला देखो हंस की चाल, कौआ चला देखो हंस की चाल, जंगल में होगा धमाल, जंगल में होगा अब तो धमाल, कौआ चला देखो हंस की चाल। चौबे जी बन के लौटे, क्या मोल लगे क्या बोल लगे, सिक्के हैं अपने खोटे, पीले पड़ गए कैसे गोरे से जाल, कौआ चला देखो हंस की चाल, कौआ चला देखो हंस की चाल, कौआ चला देखो हंस की अच्छे खासे तो लगते हो, फिर ये चेहरे पे मेकअप लगाने की क्या जरूरत थी? मेकअप पसंद नहीं है? अपने चेहरे की गंदगी छुपाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। माफ कर दे संदू, कश्मीरी पुलाव मैंने बनाया, कैसा है? क्या हाँ बाजू जोली भैया, बस्ती में ना एक आई विटनेस मिल गया है मुझे, मैं कल मिलवाता हूँ आपसे। नहीं नहीं कल नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, उसको कहीं जाने मत देना, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं। जाना पड़ेगा यार, खाना खा के जाते हैं, ठीक है? फिर मैं तुझे जीजा जी के यहां छोड़ देता हूं। थोड़ा जोली भैया कहां है? वहां रामाशेर जी, ये है एडवोकेट जगदीश त्यागी, जॉली भैया मेरे बॉस, मैंने बताया था ना इनके बारे में। हाँ, एक्सीडेंट के बारे में क्या जानते हैं आप? हम तो सब कुछ जानते हैं साहब, हमारे सामने ही तो एक्सीडेंट हुआ था, मरने वाले अपने ही लोग थे, हमने ही उनकी लाशों को उठा उठा कर पुलिस की गाड़ी में रखा था। कोर्ट में आके गवाही देंगे आप? बस जो देखा वही कहना है। ये हमसे ना हो सकेगा साहब, अरे हम दिहाड़ी मजदूर हैं, वकील साहब एक दिन का काम छोड़कर कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो शाम को खाएंगे क्या?
इस देश में गरीबों को इंसाफ बहुत महंगा मिलता है साहब। इंसाफ मिलता नहीं, इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। और सभी इस तरह सोचने लगे तो फिर कल दोबारा फिर एक एक्सीडेंट होगा। उस दिन वो 6 लोग मरे थे, फिर आप मरेंगे। किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना। तो हो कोई खड़ा, हमारे बस की बात नहीं। हमें क्यों बलि का बकरा बनाते हैं आप? हमें जो कुछ पता था हमने इनको बता दिया, वो गवाही देने के लिए हम नहीं जाएंगे। आधी रात को मुझे क्यों बुलाया जब सच बोलने से फटती है तो? बैठे रहो सर पे हाथ धरे। तुम गवाही दो या ना दो, मैं तो सच ढूंढ के ही निकालूंगा। सारी सच्चाई दिल्ली में ही ढूंढोगे वकील साहब? गोरखपुर जाओ साहब, सच तो वहां छुपा बैठा है। वकील साहब क्या हाल है? कहां जाने की तैयारी हो रही है तुमसे? मतलब? मतलब तो है वकील साहब, अब आपकी हर चीज से हमें मतलब है। बिंकी बैक हो दस साढ़े का हाथ पत लगाना, बैक हो लाठी ना। पुलिस को अपनी कार्रवाई करने में मजबूर मत करो। आज रात को आप नहीं जा सकते, कल सुबह निकल जाना गोरखपुर। तुझे कैसे पता मैं गोरखपुर जा रहा हूँ? हमें कैसे पता? अरे भाई पिंकी, हमें कैसे पता? अरे वकील साहब, हम तो आपका साया है। आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सब खबर रखते हैं। हल्दीराम, इसीलिए दिलवाई थी मुझे सिक्योरिटी। बच्चे तो होड़े आप वकील साहब, घाट घाट का पानी भी रखा है आपने भी। क्यों गन छोड़ दीजिए साहब? अरे मुझे पहचानता नहीं? सब इंस्पेक्टर सतबीर राठी स्पेशल ब्रांच, इसको नीचे कर। पहचानता विसलो तो कह रहा हूँ साहब, गन छोड़ दीजिए। 5 मिनट मैं क्या नीचे गया, आपने साहब को गन दिखा दी? साहब बुरा काम आप लोग करते हो और बदनाम हमें करते हो। वकील साहब मैं कोई खबरी नहीं हूँ, मैं आपका बॉडी गार्ड हूँ साहब, और जब तक मेरा बॉडी है ना साहब, आपके बॉडी को साला कोई कुछ नहीं कर सकता। छोड़िए कहता हूँ गन, छोड़िए। रख रहा हूँ ठीक ठीक, छोड़ दीजिए। नहीं हिलना नहीं, खड़े रहो, निकल जाओ साहब। मैं कहता हूँ जाओ, मैं हूं ना यहाँ, मैं संभाल लूंगा इसे। हिलना नहीं, जब तक आप पहुंचोगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी होगी। सदाकांत मिश्रा जी, बाकी के लोग भी खड़े हो जाओ भाई। जज की इज्जत नहीं करनी आती तो कोई बात नहीं, कानून की तो इज्जत करना सीख लो। डंडे के बिना सीखता कोई कुछ नहीं यहां पर। थैंक यू। अरे यार चाय सुबह तो कम से कम गर्म पिला दिया करो नरेन जी। कोई काम ढंग से करके राजी नहीं है यहां पर। हाँ जी त्यागी जी, बोलो जी, क्या बोलना आपको? थैंक यू सर।
सर मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर राठी को बुलाना चाहूंगा। और सर विटनेस का एडवांस नोटिस हमने पहले ही दे दिया है सर। हाँ तो ठीक है फिर बुलाओ। आओ जी आओ खड़े हो जाओ। जी सर। क्या हाल है राठी साहब? ठीक है। आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं ना? जी हाँ। क्या आपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है? हाँ जी बिल्कुल किया है। पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ हर एक फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया है। राठी साहब ये उन लोगों के नाम है जो उस रात एक्सीडेंट में मारे गए थे। जरा कोर्ट को इनके नाम पढ़ के सुनाएंगे। पढ़िए सर। हाँ नहीं पढ़ो पढ़ो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ो। कुंवर पाल, अंजनी सिंह, जोध सिंह, कृष्णा पासवान, जीवन। राठी साहब मैं आपसे कुछ कहूंगा आप हंसेंगे तो नहीं? जी। जब से मैंने केस लिया है ना ये लोग मेरे सपने में आते हैं, कहते हैं कि आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। तो ठीक है जी, एक आधा मुर्दा ही बुला लीजिए, वो सच बता देगा आपको। बिल्कुल वही तो कर रहा हूं राठी साहब, क्योंकि इनमें से एक को मुर्दा बनाने वाले आप हैं। विक्टिम नंबर 6 सदाकांत मिश्रा जिंदा है जनाब, और पुलिस फाइल में उसे मुर्दा बताने वाले ये हैं सब इंस्पेक्टर राठी। मैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस सदाकांत मिश्रा को बुलाना चाहूंगा जी। आई ऑब्जेक्ट, हियर वी गो अगेन। कितनी बार समझाना पड़ेगा कि विदाउट एडवांस नोटिस आप विटनेस को नहीं बुला सकते? जनाब मैं जानता हूं कि मैं उसे अचानक बुला रहा हूं, लेकिन प्लीज अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं। अनदर स्टोरी, ये कोर्ट प्रोसीडिंग है, ये कोई गांव की पंचायत नहीं कि जो जब जिसने चाहा मुंह उठा के चलाया। जनाब ये आखिरी मौका असलियत सामने लाने का, सच्चाई सामने लाने का। अभी तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारी सच्चाई बाद में, जब लड़ी सच्चाई कैन कम लेटर। सिट डाउन। राजपाल साहब, राजपाल त्यागी जी, आप एक काम करो, आप वेटर्स को बुला के लेके। थैंक यू सर। राजपाल साहब मैं परमिट कर रहा हूँ ना, बात खत्म हुई, मैं कर रहा हूँ, आप लेके आओ त्यागी साहब। लेकिन रूल्स आर रूल्स, यू कैन नॉट कॉल अ विटनेस जस्ट लाइक दैट। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तो आप आने दो, आप बुलाओ, आप बुलाओ। रूल्स डू नॉट परमिट इट, यू हैव टू गिव एडवांस नोटिस। राजपाल साहब मुझे भी रूल मालूम है, आप जानते तो आप, मैं कर रहा हूँ ना परमिट, बात खत्म हुई, आप छोड़ो इस बात को। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक इट इज नॉट राइट, यू कैन नॉट कॉल सच अ विटनेस। हाउ कैन यू कॉल सच अ विटनेस सर? हां जी। I said, how can you call such a witness? How can I? Yes. राजपाल साहब ये मेरा कोर्ट है, आपका क्लब नहीं, समझ में आई बात? Here only I can, and I'm doing this. This is illegal. राजपाल साहब आप बीच में बोलना बंद करो। This is illegal. ना आप देखो contempt of court कर रहे हो आप। Contempt of court? I'm making an objection. There is something illegal going on here, and I'm in contempt of court. राजपाल साहब क्यों बहस कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ बैठ जाओ ना, प्लीज बैठ जाओ। I will not sit down. राजपाल साहब आई एम ऑर्डरिंग यू जस्ट सिट डाउन, सिट डाउन, बैठे आप सीट पे। एक बारे में बात समझ में नहीं आती। आई कैन नॉट बिलीव दिस इन माय। अरे चुप रहे, नॉट हर्ट द एंड ऑफ दिस, आई विल गो टू द बार काउंसिल, आई एम गोइंग टू मेक अ बिग सीन आउट ऑफ दिस, दिस कैन नॉट गो ऑन, आई कैन नॉट। अरे चुप, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए, चुप रहेगा नहीं रहेगा, आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से, चुप। My 30 years of my career, that such a thing has happened in a court, I cannot, I've never Chop seen it. Chop rahe, ye court hai mera court hai, shut up and just shut up. I'm sitting here, no sir, I'm down. Chai pila tu mere ko, aur Rajpal sahab ko bhi ek chai pila. Chai mein stupid chai. Haan ji haan, haan, Tyagi sahab, kya bol rahe the aap? Ji, wo Sadakant Mishra ko bulana tha. Haan, toh pesh karo na phir, bulao aap. थैंक यू जी। आपका नाम? जी सदाकांत मिश्रा।
इस केस से आपका क्या संबंध है? मैं इस एक्सीडेंट में मरने वाला छठा आदमी हूं। What? उस रात को जो हुआ वो आप इस कोर्ट को खुल के बताएंगे? सब उस रात हम लोग फुटपाथ पे सो रहे थे, बहन की शादी थी, अगले रोज गांव जाने वाले थे। रात को अचानक बहुत जोर की आवाज हुई, ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो। मेरी आंख खुली तो एक बड़ी सी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ी हुई थी और हमारे साथी कुचले पड़े थे। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला, वो घबराया हुआ था जैसा। हमको लगा कि शायद वो हमारी मदद करेगा, लेकिन हमारी आंख खुली तो हम अस्पताल में थे साहब। वहाँ हमसे इंस्पेक्टर राठी मिलने आए। एक्सीडेंट करने वाले ट्रक का नंबर पर कुछ याद है? देखा था? नहीं साहब, ट्रक से नहीं, एक्सीडेंट तो कार से हुआ था। अबे कार के सपने ले रहा था तू शाहरुख खान? एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था? हा? नहीं नहीं साहब, ट्रक नहीं था, कार था। बात समझ में आई तेरे? चल उठ, ठीक से समझाता हूँ तुझे, आ चल। वो हमें मुर्दा घर ले गए, सब तेरे साथी है ना, जहाँ हमारे पांच साथियों के शव पड़े थे। हमने उनसे विनती की कि साहब हम सच बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारी एक न सुने, वो सड़े बेवकूफ समझा और हमें जान से मारने की धमकी दी। ठोक दूंगा मैं तुझे। नहीं साहब, हमको छोड़ दीजिए साहब। अरे छोड़ कैसे थे, तुझे मारने के तो पैसे मिलेंगे, छोड़ने का घंटा मिलेगा है? पैसे हमारे पास भी कुछ पैसे हैं साहब। हमने अपनी एक साल की कमाई, पूरे 30,000 रुपए और बहन की शादी के लिए बनाए हुए गहने भी इंस्पेक्टर साहब को दे दिए, और उसके बाद एक पुलिस वाले ने हमें गोरखपुर की ट्रेन में बैठा दिया और हम गांव चले गए। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि राहुल दीवान को बुलाकर सदाकांत मिश्रा से उसकी शनाख्त की जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, आई'ड लाइक टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस फर्स्ट। ओवररूल्ड, आपको मौका दिया जाएगा, आप बैठ जाओ। थैंक यू जी। राहुल दीवान, हाँ बेटा आगे आ जाओ, हाँ इधर आके खड़े हो जाओ। हाँ सदाकांत मिश्रा, अच्छे से देख के बताओ, क्या ये वही लड़का है जो उस दिन रात को गाड़ी चला रहा था? जी साहब, ये वही लड़का है जिसे मैंने कार चलाते हुए देखा था। अरे लो, आज तो कोर्ट प्रोसीडिंग में पता ही नहीं लगा लंच टाइम कब हो गया। चलिए लंच के बाद मिलते हैं कोर्ट में। सर मेरी कोर्ट से एक दरख्वास्त है कि हमें अगली डेट दी जाए, क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है सुप्रीम कोर्ट में, इफ यू डोंट माइंड। आप एक काम करो, आप जूनियर काउंसिल को भेज दो, कोर्ट का फैसला तो आज ही होगा। हाँ लंच के बाद मिलते हैं। ओके। सर आज का काम कोर्ट में ठीक ठाक हो गया? कहाँ है वो? सर अंदर कमरे में बंद है। बाहर निकाल। बोले। सर ये रमाकांत शुक्ला गोरखपुर वाला। रमाकांत शुक्ला नहीं, सदाकांत मिश्रा। सदाकांत मिश्रा लंगड़ा अफीम खा रहे की तरह, हराम खोर। सौड़े बुड्ढे, तू मुझे पहले नहीं बता सकता था अपनी असलियत? मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया? जा उसके लेके जा। राजपाल साहब, The
तीन चीजें कंफर्म कर। नाम सही है? यस सर। गोरखपुर का है? हाँ सर। सच बोल रहा है? हाँ। और तूने 30,000 रुपए के लिए उसे जाने दिया? गलती हो गई राजपाल साहब। सर प्लीज सर, ये 30,000 कोर्ट में कितने महंगे पड़ेंगे पता है? मैंने सोचा आपने सर। क्या सोचा था? सेटिंग कर दी होगी सर। सेटिंग? सर प्लीज माफ कर। अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना मुझे। इससे पहले कि ये कोर्ट अपना फैसला सुनाए, राजपाल साहब प्लीज कंक्लूड द आर्गुमेंट। थैंक यू योर ऑनर। पहले तो आई'd लाइक टू थैंक मिस्टर त्यागी फॉर फाइलिंग दिस पीआईएल इन कोर्ट। इस पीआईएल को फाइल करने के बाद इस केस में नए फैक्ट्स, नए एविडेंस, नए आई विटनेसेस सामने आ गए, लेकिन इसमें से एक भी फैक्ट नहीं है जो मेरे क्लाइंट को दोषी ठहरा सकता है। बट योर ऑनर, आई हैव टू एडमिट आई एम अ लिटिल वरिड। आई एम वरिड क्योंकि इस कोर्ट में लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी जल्दबाजी है। ऐसा लगता है कि लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हो कि राहुल दीवान इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार है। सबकी आंखों में राहुल दीवान को जेल भेजने की जल्दबाजी दिखाई दे रही है। बट बिफोर वी डू दैट, लेट अस एग्जामिन द फैक्ट्स। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से आज तक पता नहीं चला कि उस रात को एक्चुअली क्या हुआ। देर इज सम कंफ्यूजन योर ऑनर, सम कंफ्यूजन, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट कहती है कि एक्सीडेंट ट्रक से हुआ और प्रोसिक्यूशन और सारी दुनिया कहती है कि लैंड क्रूजर से हुआ। पुलिस रिपोर्ट यह कहती है कि 6 लोग मारे गए और प्रोसिक्यूशन और सारी दुनिया कहती है कि सिर्फ 5 मारे गए, और उसकी वजह से एक मुर्दा जिंदा हो गया। एंड वी हैव अ डेड मैन वॉकिंग इन दिस कोर्ट हु नाउ बिकम्स द ओनली आई विटनेस इन दिस केस। इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? लेकिन प्राइमा फेस से एक बात जरूर साबित होती है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। And as part of the judicial system, it is my recommendation that the strongest action be taken against Sub-Inspector Rathi. It is people like him that give the department a bad name. It is people like him ki investigation ka mazak udate hain log. You made a joke out of it. Set an example once and for all for the entire police department. Your Honor, Rathi ki galti ki saza mere client ko to nahi milni chahiye. Which brings me to a very, very important question. Your Honor, is this court willing to send my client to jail on the basis of a botched-up investigation? And make no mistake, this is a botched-up investigation. With this laughable and hilarious evidence. Because if this happens, it'll be the darkest hour in the history of the judicial system of this country. Aur rahi baat un 6 ya 5 manne walon ki, my deepest sympathies, kya kare? Lekin agar aap footpath pe soenge to marne ka risk to rahega hi. That's the harsh reality. The rest, Your Honor, I leave it to your wisdom and your fine sense of judgment. Thank you. Anju Tyagi ji, your submission please. Ah.
आज पहली बार जनाब मैं राजपाल साहब की बात से अग्री करता हूं। फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का रिस्क तो है। बिल्कुल सही है जनाब, लेकिन मैं राजपाल साहब से पूछना चाहता हूं कि इनफैक्ट ये कोर्ट में जितने लोग हैं सभी से पूछना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा जनाब, के ये लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं कौन है, ये लोग कहां से आते हैं, इनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार है ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने, क्यों जनाब? लेकिन इन भूखे नंगे बेकारों के पास भी एक चीज का हक है जनाब, और वो है जस्टिस। और ये हक ना राजपाल साहब उनसे छीन सकते हैं, ना आप ना ही ये कोर्ट, क्योंकि ये हक उन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब कभी इनके इंसाफ की बात आती है तो कानून के सारे दरवाजे बंद होते हैं जनाब, इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, डेट दी जाती है, भरोसा दिया जाता है, वादे किए जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं जनाब, इंसाफ नहीं दिया जाता जनाब, नहीं दिया जाता। शराब और दौलत के नशे में 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, यंग एंड इनोसेंट जिसने 5 लोगों की जान ले ली, और राजपाल साहब कह रहे हैं इज इट अ जोक? नहीं जनाब, जोक क्या है मैं बताता हूं आपको। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया है, 6 महीना और ये केस चलेगा और वो ये साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। साल भर और ये केस चलने दीजिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि ये आदमी सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है, और लैक ऑफ एविडेंस के बिना पे आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। दैट इज अ जोक जनाब, ये जोक है। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते, यही कहा था ना आपने, लेकिन राजपाल साहब फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते। कानून की बात करता है साला। जनाब बचपन से फिल्मों में देखते आ रहे हैं, कई बार ये डायलॉग सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, इतना लंबे होते हैं देखिए, घोंसले हैं सब बकवास। अगर लंबे हैं तो ये रहा राहुल दीवान आपके सामने, उठाइए और डाल दीजिए जेल में, दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। बुरा मत मानिएगा जनाब, लेकिन इस कमरे के बाहर आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपके नाम के SMS जोक भेजे जाते हैं, रेट फिक्स किया जाता है आपका। जनाब आपकी इज्जत खतरे में है, कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए। और जनाब इन पे एहसान मत कीजिए, बस इन्हें इनका हक दे दीजिए, इन्हें इंसाफ दे दीजिए जनाब। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस थैंक यू जी। प्लीज साइलेंस, प्लीज बैठिए बैठिए, शांति रख, शांति रखिए। वाह अच्छी स्पीच है, बहुत अच्छी स्पीच है राजपाल साहब, लड़का टक्कर गया है जी। खैर तो अब हम केस पे आते हैं। इस केस के 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि इस केस में पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, और इसके लिए यह कोर्ट दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट को यह निर्देश देती है कि सब इंस्पेक्टर राठी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। अब दूसरा पहलू, भाई एक बात तो एकदम क्लियर है,
कि इस केस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है। राजपाल साहब भाई, मान लो कि गलती आपके क्लाइंट से हुई है, हैं जी? अगर गलती ना हुई होती तो फिर फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने की जरूरत ना पड़ती ना, हैं जी? इस कोर्ट में बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि एक्सीडेंट राहुल दीवान से हुआ था, लेकिन मैं तो जज हूं भाई। कोई क्या जानता है, मैं क्या महसूस करता हूं, इस बिना पे तो मैं जजमेंट दे नहीं सकता। मुझे जजमेंट देना होता है एविडेंस के बिना पे, और एविडेंस केस की पहली तारीख को मुझे मालूम होता है मुजरिम कौन है। मैं यहां बैठा रहता हूं और एविडेंस का इंतजार करता रहता हूं। एविडेंस अब आएगा, एविडेंस तब आएगा, गटर खड़ा हो जाता जी। फाइलों पे फाइलें चढ़ती चली जाती हैं, लेकिन एक पेपर मेरे सामने नहीं आता, एक पेपर जिसको मैं सही मायने में बोल सकूं कि ये एविडेंस है। एविडेंस आता नहीं है, मुजरिम छूट जाता है। आज तक तो ऐसा ही होता है। पर आज नहीं होगा, आज तो कतई नहीं होगा। सो इन PIL नंबर 48693 द ट्रायल स्टेट वर्सेस राहुल दीवान, दिस कोर्ट फाइंड्स राहुल दीवान गिल्टी एंड सेंटेंसेस हिम अंडर सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पीनल कोड इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years। Your Honor? Your Honor, this is bizarre. आप ऐसा जजमेंट कैसे दे सकते? Do you realize that this will not hold for even 2 minutes in a higher court? Do you realize that I will go to a higher court? वो आपका अधिकार है ना? आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप प्रेसिडेंट के पास जाओ, जहां जाना है जाओ। लेकिन आज आपका क्लाइंट राजपाल साहब जेल जा रहा है। You may sit down. The detailed judgment will follow soon. The court is adjourned. पर ठंडन गोपालों के भी होंगे स्विट्जरलैंड में खाते। चोर चोर के कर पीटे हाँ जिसे मिले दीपा के, पर चोरी का मिले मौका तो हद मारे वही दबा के। कि मैं झूठ बोले आ, कोई ना देखी मैं कुफर तोले आ, कोई ना देखी मैं जहर कोले आ, कोई ना। कि मैं झूठ बोले आ, कोई ना देखी मैं कुफर तोले आ, कोई ना देखी मैं जहर कोले।
करें सब दिलो जान उठा के काम है तो सब ठीक हनी तो चिंग बखस्त चबा के मैं झूठ बोले